नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जी के हम में और एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों मैंने जो कल जो है वो किसान आंदोलन के बारे में जानकारी दी थी और आज जो है वो दोस्तों जनजातीय किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? जनजातीय किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर, जनजातीय किसान आंदोलन से संबंधित दोस्तों आते हैं अपने भील और मीणा जनजाति से संबंधित किसान आंदोलन आते हैं। तो सबसे पहले सर अपने भीलों के बारे में पढ़ते हैं। तो सर अपने जो है पहला किसान आंदोलन शुरू कर रहे हैं सर, भगत भील किसान आंदोलन। सिर्फ और सिर्फ सर वही उद्देश्य है अपना भी सर मेन मेन क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए। तो भगत भील किसान आंदोलन क्लास देखने के बाद दोस्तों उसके रिव्यू जरूर दिया करो, कमेंट जरूर किया करो भी सर इस तरीके से हमें ये समझ में आया, कोई चीज आपको नई टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी है उससे संबंधित जानकारी जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा करो। तो भगत भील किसान आंदोलन या भगत भील आंदोलन दोस्तों आप पढ़ सकते हो, किसान आंदोलन पढ़ सकते हो जो भीलों से संबंधित रहा है दोस्तों, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर इसमें अपने जो नाम आता है वो आता है सर गुरु गोविंद गिरी का। किसका नाम आता है सर? इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं या सर कह सकते हो जो नेतृत्व किया था इस किसान आंदोलन का, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? नेतृत्वकर्ता जो है उनका नाम आता है दोस्तों गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी, अब गुरु गोविंद गिरी जो है दोस्तों इनके बारे में पढ़ लो सर, ये बंजारा जाति से। किसे सर? बंजारा। बंजारा जाति के दोस्तों जिनका जन्म भूमि जो मानी जाती है दोस्तों बासिया डूंगरपुर। बासिया डूंगरपुर, ठीक है। अब इनसे संबंधित और क्या खास प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों? गुरु गोविंद गिरी के जो गुरु थे उनका नाम था दोस्तों राजगिरी। क्या नाम था सर? राजगिरी नाम था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं गुरु गोविंद गिरी के शिष्य की, तो शिष्य का नाम आता है दोस्तों सुरजी भगत। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों सुरजी भगत जो है वो सर किससे संबंधित है? तो सर भगत भील किसान आंदोलन, भीलों के उद्धार हेतु सर इन्होंने भी कार्य किया था। गुरु गोविंद गिरी को दोस्तों कहा जाता है भीलों का प्रथम उद्धारक। भीलों का प्रथम उद्धारक, तो भीलों का प्रथम उद्धारक किन्हें कहा जाता है सर? गुरु गोविंद गिरी को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाए भीलों में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य, आपका जो दिमाग जो जाएगा सीधा गुरु गोविंद गिरी पर, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो भीलों में राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य, भीलों में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? एमडीएस। एमडीएस की फुल फॉर्म दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती। तो सर भीलों में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य जो है महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और महर्षि दयानंद सरस्वती ही दोस्तों किससे जाके जुड़ेंगे? गुरु गोविंद गिरी से। तो गुरु गोविंद गिरी के दोस्तों याद रखिएगा राजनीतिक गुरु माने जाते हैं दोस्तों। वैसे गुरु कौन हो जाएंगे? सीधे सर राजगिरी हो जाएंगे, लेकिन राजनीतिक गुरु जो है वो सर गुरु गोविंद गिरी के कौन से हो जाएंगे? महर्षि दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। तो ये सारी बातें दोस्तों आपने किसके बारे में पढ़ी है सर? ये पढ़ी है गुरु गोविंद गिरी के बारे में। तो नेतृत्व करता है दोस्तों भगत भील किसान आंदोलन के गुरु गोविंद गिरी का नाम आता है, जो बंजारा जाति से थे। जन्म जो है वो बासिया डूंगरपुर में होता है सर। गुरु जो है उनके राजगिरी, लेकिन शिष्य जो है वो दोस्तों सुरजी भगत है। भीलों में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। तो यानी कि सर गुरु गोविंद गिरी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे सर? महर्षि दयानंद सरस्वती। गुरु गोविंद गिरी को दोस्तों भीलों का प्रथम उद्धारक कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, देखिए नेक्स्ट जो है दोस्तों यहां पर बात आएगी, अभी बात आई है महर्षि दयानंद सरस्वती की। तो महर्षि दयानंद सरस्वती से संबंधित दोस्तों मैं आपको बात करूंगा भी सर, ये जो है वो किससे संबंधित थे सर? गुरु गोविंद गिरी से। तो सर इनका भी, तो सर इनका जो जन्म स्थल माना जाता है दोस्तों टंकारा गुजरात माना जाता है। कौन सा माना जाता है दोस्तों? टंकारा गुजरात। टंकारा गुजरात सर किसका जन्म स्थल है सर? ये महर्षि दयानंद सरस्वती का। इनकी जो बुक है दोस्तों सबसे फेमस बुक आप सभी को पता होगा दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है सर? ये जो है वो किसकी? महर्षि दयानंद सरस्वती की। सर महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना, किसकी स्थापना दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना की जाती है। और आर्य समाज की स्थापना कहां पर की गई थी? बंबई में की गई थी दोस्तों। कहां पर की गई थी? बंबई में। तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों बंबई में किसके द्वारा? महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो सर महर्षि दयानंद सरस्वती को आपने पढ़ा था भीलों में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना जगाने वाला व्यक्ति है सर। यह जो है दोस्तों याद रखिएगा,
एमडीएस राजस्थान में तीन बार आए थे दोस्तों। कितनी बार आए थे? तीन बार आए। और वो तीन बार कौन सी बार आए थे दोस्तों, देखिएगा। सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है दोस्तों, ये आए थे 1865 ईस्वी में। और 1865 ईस्वी में दोस्तों आपको पता होगा सर, ये करौली रियासत में आए थे। कहां पर आए थे दोस्तों? करौली रियासत में। और करौली का शासक जो था दोस्तों, मदन पाल सिंह दोस्तों, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला शासक, जिसे जीसीआई ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है। तो मदन पाल सिंह दोस्तों रॉबर्ट की सहायता करता है राम सिंह सेकंड को छुड़वाने के लिए कोटा से। तो वही व्यक्ति दोस्तों निवेदन करता है किससे? महर्षि दयानंद सरस्वती से, और उनको बुलाता है सर करौली रियासत में। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों बात आती है सर 1882 की। 1882 ईस्वी के अंदर दोस्तों ये व्यक्ति आया था उदयपुर। कहां आया था सर? उदयपुर। और उदयपुर के अंदर दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती किसके निवेदन पर आए थे? महाराणा सज्जन सिंह के निवेदन पर आए थे। किसके निवेदन पर दोस्तों? महाराणा सज्जन सिंह के निवेदन पर। और महाराणा सज्जन सिंह सज्जन से संबंधित जो भी कोई आपको प्रश्न आता है दोस्तों मेवाड़ में, तो वो सर किससे संबंधित होगा? उदयपुर रियासत से होगा। और उदयपुर में दोस्तों जैसे कि सज्जन प्रकाश महल, सज्जन गिरती सुधार अखबार वगैरह वगैरह, सारी प्रश्न जो है वो सर किससे रहेंगे? सज्जन सिंह से। तो सज्जन सिंह ने निवेदन किया तो दूसरी बार कहा है उदयपुर में। और तीसरी बार जो सर थर्ड टाइम जो आए थे, ये सेकंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम जो आए हैं दोस्तों वो कहां पर आए हैं देखिएगा। ये आए हैं दोस्तों जोधपुर में। कहां पर आए हैं? जोधपुर रियासत में। और जोधपुर का शासक तो उस समय दोस्तों जसवंत सिंह सेकंड था। जोधपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह सेकंड था। जसवंत सिंह सेकंड, जिसकी याद में जसवंत थड़े का निर्माण इसके बेटे सरदार सिंह द्वारा करवाया गया था। तो जसवंत सिंह दोस्तों, लेकिन जोधपुर का पीएम कौन था दोस्तों? सर प्रताप। कौन था दोस्तों? सर प्रताप। दोस्तों सर प्रताप वही व्यक्ति है जो प्रताप सागर झील का निर्माण करवाता है दोस्तों, जिसे वर्तमान में कायलाना झील के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कायलाना झील मीठे पानी की झील है दोस्तों सर, जिसे जोधपुर का सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। तो पीएम जो है वो सर प्रताप। तो इन्होंने निवेदन किया था, यहाँ पर सज्जन सिंह ने निवेदन किया था, और यहाँ पर मदन पाल सिंह ने। अब दोस्तों 1882 के अंदर इनके द्वारा यहाँ पर बुक लिखी जाएगी। तो जो बुक जो आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है दोस्तों, वो कहाँ लिखी गई थी? उदयपुर में लिखी गई थी, सत्यार्थ प्रकाश में दोस्तों। याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक उदयपुर में लिखी जाती है। और दोस्तों कौन से गार्डन में? रोज गार्डन में लिखी जाती है दोस्तों। कौन से गार्डन में लिखी जाती है? रोज गार्डन के अंदर दोस्तों ये पुस्तक लिखी जाती है। जोधपुर में जसवंत सिंह सर प्रताप। अब जसवंत सिंह को सर यहाँ पर क्या दिए जाएंगे? उपदेश दिए जाएंगे। कौन उपदेश देगा सर? यही देंगे सर जो महर्षि दयानंद सरस्वती। तो सर यहां पे याद रखिएगा, एमडीएस द्वारा उपदेश किसको? जसवंत सिंह को सर। कौन से बाग में? रायका बाग में। देखो रायका बाग जो है दोस्तों, याद रखिएगा, रायका बाग जिसका निर्माण करवाता है जोधपुर में जसवंत सिंह प्रथम, और उसमें उपदेश कौन ले रहा है? जसवंत सिंह सेकंड दोस्तों। जिसमें एक उपदेश कौन दे रहे हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती। तो रायका बाग में उपदेश दिए थे किसको सर? जसवंत सिंह को। यहाँ पर दोस्तों आप कहानी पढ़ते हो जसवंत सिंह महर्षि दयानंद सरस्वती से संबंधित क्या है सर? महर्षि दयानंद सरस्वती जब आए थे कहां पर? जोधपुर में। तो जोधपुर में आने से दोस्तों यहां पर जसवंत सिंह सेकंड किससे मिले सर? ये जसवंत सिंह सेकंड से मिले। और जसवंत सिंह सेकंड की एक प्रेमिका थी सर, इसकी क्या सर? प्रेमिका। और प्रेमिका का नाम आता है दोस्तों नन्नी जान। क्या नाम आता है सर? नन्नी जान आता है। प्रेमिका का नाम क्या आता है? नन्नी जान आता है। तो प्रेमिका जो है दोस्तों नन्नी जान किसकी है? जसवंत सिंह सेकंड की है। लेकिन दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती को जब ये पानी का गिलास देने के लिए आती है सर, नन्नी जान जो है वो पानी देने के लिए सर किसके पास जाएगी? पानी के लिए सर ये जाएगी महर्षि दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इसको देखकर जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा भी सर, ये जो महिला है ये सर एक वेश्या प्रवृत्ति की महिला है। यानी कि किसी भी महिला को अगर वेश्या के रूप में कहा जाएगा तो दोस्तों उसे गुस्सा तो आएगा। अब रियलिटी में दोस्तों इसने कहा तो नन्नी जान आ गई सर रसोई में। कहां पर आई? रसोई में। और रसोई में सर रसोइया था जिसका नाम मिलता है सर जगन्नाथ। क्या नाम मिलता है सर? जगन्नाथ रसोइया। और जगन्नाथ रसोइया का दोस्तों इसका जो है सेकंड प्रेमी है सर, ये साइड बिजनेस है सर। किससे संबंधित? नन्नी जान का प्रेमी से संबंधित दोस्तों। कौन सा? जगन्नाथ। तो जगन्नाथ को बोलती है अगर तू मुझे प्यार करता है, अगर तू मुझे क्या करता है? प्यार करता है, तो वो बंदा यहां से जो है वो जीवित नहीं जाना चाहिए। ये बात बोल दी किसने? नन्नी जान ने। तो जगन्नाथ ने क्या किया दोस्तों? महर्षि दयानंद सरस्वती को दूध में पीसा हुआ कांच मिला दिया। दूध में पीसा हुआ कांच किसको पिला दिया सर? दूध में पीसा हुआ कांच मिला के दे दिया महर्षि दयानंद सरस्वती को। तो कहा जाता है सर महर्षि दयानंद सरस्वती जोधपुर में स्वास्थ्य खराब हुआ। जोधपुर में स्वास्थ्य, ये प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, स्वास्थ्य कहां पर खराब हुआ?
स्वास्थ्य जो है वो सर कहाँ खराब हुआ, जोधपुर में स्वास्थ्य खराब, और सर इसके पश्चात ये गए थे अजमेर में, कहाँ गए थे सर अजमेर में, दोस्तों याद रखिएगा दिनांक आती है 30 अक्टूबर 1883 की, 30 अक्टूबर 1883 को सर कौन महर्षि दयानंद सरस्वती कहां पहुंचे थे, अजमेर पहुंचे थे दोस्तों, अजमेर के निकट दोस्तों इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो अजमेर के निकट 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दोस्तों क्या हो जाती है इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु वाले दिन जो दिन था दोस्तों वो था दीपावली का दिन, कौन था दीपावली का, महर्षि दयानंद सरस्वती, और सर जो महावीर स्वामी से संबंधित दोस्तों निर्वाण दिवस आता है, उनकी मृत्यु का दिन जो आता है वो कार्तिक अमावस्या यानी कि दीपावली का दिन आता है, तो 30 अक्टूबर 1883 को क्या हो जाती है सर इनकी मृत्यु हो जाती है, और 1883 दोस्तों सन ये जो है याद रखना है आपको किसके लिए, गुरु गोविंद गिरी से आके जुड़ेगा, जुड़ेगा किस प्रकार जुड़ेगा देखिएगा, तो सर क्या किया गया 1883 में, कब सर 1883 के अंदर सर गुरु गोविंद गिरी द्वारा, गुरु गोविंद गिरी द्वारा किसके द्वारा सर, गुरु गोविंद गिरी द्वारा सर किसकी स्थापना की जाएगी दोस्तों, संप सभा की स्थापना की जाएगी, किसकी स्थापना दोस्तों संप सभा, और संप सभा की स्थापना दोस्तों सिरोही में की जाती है, कहां की जाती है तो संप सिरोही में होगा सर, संप सभा जो है कौन सी रियासत से संबंधित आएगी, सिरोही में, तो संप सभा की स्थापना दोस्तों कहां पर की जाती है, सिरोही में की जाती है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आता है, संप सभा के अंदर दोस्तों आपका पूछा जाएगा मतलब, तो सर शाब्दिक अर्थ होता है इसका सर, शाब्दिक अर्थ होता है भीलों में भाईचारा बढ़ाना, संप सभा का शाब्दिक अर्थ क्या था सर, भीलों में भाईचारा बढ़ाना, भीलों में भाईचारा बढ़ाना, समझ में आ गई। अब सर इस संप सभा में भीलों का भाईचारा बढ़ाना है तो सर कुछ ना कुछ तो इसमें नियम वगैरह दिए होंगे, हाँ बिल्कुल दिए दोस्तों, संप सभा के आपको नियम अगर पूछे जाए तो सर इसमें 10 नियम आते हैं, कितने नियम आते हैं सर 10 नियम, तो यहीं पे दोस्तों मैं आपको नियम बता देता हूं सारे के सारे देखिएगा, सबसे पहले आएंगे सर 3 नियम, फिर उसके बाद में आएंगे सर 10 नियम, 10 नियम के बाद में आएंगे सर 11 नियम, 11 नियम के बाद में आएंगे सर 13 नियम, 13 नियम के बाद में आएंगे सर 29 नियम, 29 नियम के बाद में आएंगे सर 36 नियम, 36 नियम के बाद में आएंगे सर 42 नियम, ठीक है, तो ये इतने नियम से संबंधित आपको दोस्तों प्रश्न, यानी कि इतने रूल जो है वो कहां कहां किस प्रकार से रहते वो प्रश्नों के बारे में दोस्तों मैं व्याख्या कर देता हूं, तो 3 नियम जो है वो दोस्तों दादू संप्रदाय से संबंधित, 3 नियम जो है वो किसके है दादू संप्रदाय के, 10 नियम जो है वो किसके है दोस्तों संप सभा के, किसके सर संप सभा के, 11 नियम जो है वो आई माता के, किसके है सर आई माता के, सर कौन से पंथ से संबंधित है ये, सिरवी पंथ से संबंधित है दोस्तों, कौन से पंथ से संबंधित है सिरवी पंथ, 13 नियम दोस्तों 13 पंथ समुदाय में, 13 पंथ संप्रदाय जो आती है दोस्तों आचार्य भिक्षु स्वामी द्वारा सर स्थापना, सर ये 13 पंथ संप्रदाय सर जैन समुदाय की संप्रदाय है, 29 नियम सभी बच्चे जानते हैं बिश्नोई, बिश्नोई संप्रदाय, 36 नियम सर जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, और 42 नियम दोस्तों चरणदासी संप्रदाय, ठीक है, तो ये सारे नियम जो है मैंने आपको बता दिए हैं सर, 3, 10, 11, 13, 29, 36 और 42 नियम, तो ये दोस्तों यहाँ पर संप सभा के प्रश्न आया, तो संप सभा में आपको कहना है सर 1883 के अंदर गुरु गोविंद गिरी द्वारा सिरोही में सर संप सभा की स्थापना की गई, जिसका शाब्दिक अर्थ था सर भीलों में भाईचारा बढ़ाना, और भीलों में भाईचारा बढ़ाने के लिए नियम दिए जाएंगे दोस्तों, कितने नियम दिए जाएंगे 10 नियम दिए जाएंगे, तो यहाँ पर ये नियमों की संख्या भी आपको याद रखनी है, किसमें संप सभा में। अब क्या होगा सर ये संप सभा आई है तो सर इसका किसको लोगों तक पहुंचाना है, भीलों तक पहुंचाना है, तो सर क्या बुलाना पड़ेगा, अधिवेशन बुलाना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो यानी कि सर यहां पे अगर बात की जाती है तो सर 1903 ईस्वी में दोस्तों एक पहाड़ी है मानगढ़ पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है सर मानगढ़ पहाड़ी दोस्तों याद रखिएगा, भूकिया बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों, मानगढ़ पहाड़ी कहां पर, भूकिया बांसवाड़ा में, तो मानगढ़ पहाड़ी पर दोस्तों याद रखिएगा क्या हुआ था प्रथम अधिवेशन किसका सर, संप सभा का, तो यहां पर देखिएगा संप सभा का, संप सभा का प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, तो संप सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ सर वो कहां हुआ, मानगढ़ पहाड़ी 1903 में होता है दोस्तों। अब इसी संप सभा का सर क्या होगा सेकंड अधिवेशन होगा, और दोस्तों वो सेकंड अधिवेशन जो होगा वो कब होगा दोस्तों याद रखिएगा
1913 ईस्वी में, कब होगा सर 1913 ईस्वी में, जिसकी दिनांक क्या मिलती है दोस्तों याद रखिएगा, बोलो सर 17 नवंबर, क्या दिनांक मिलती है 17 नवंबर 1913 ईस्वी को दोस्तों क्या होगा, संप सभा का सेकंड अधिवेशन होगा, संप सभा का सेकंड अधिवेशन। तो संप सभा अधिवेशन का मतलब होता है दोस्तों लोगों तक जो आपने शुरू किया है वो लोगों तक पहुंच जाए, उसका मतलब होता है सर अधिवेशन, यानी कि सर एक जो है आप एक संगठन बनाकर सभा का संचालन कर रहे हो, वहां तक दोस्तों लोगों को क्या पहुंचा रहे हो, आप जानकारी पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो संप सभा का सेकंड अधिवेशन 17 नवंबर सर 1913 को होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न कौन सा आता है, गौर से सुनिएगा सर, 17 नवंबर को दोस्तों यहां पर जो है वो दोस्तों दिन कौन सा था, वो आश्विन पूर्णिमा का दिन था दोस्तों, कौन सा दिन था, आश्विन पूर्णिमा का दिन था दोस्तों याद रखिएगा। और आश्विन पूर्णिमा के दिन क्या होता है दोस्तों, यहां पर क्या है, बिलों की चल रही शांतिपूर्ण सभा पर, बिलों की चल रही शांतिपूर्ण सभा पर एमबीसी द्वारा गोलियां चलाई जाएगी, किसके द्वारा सर, एमबीसी द्वारा गोलियां, और एमबीसी द्वारा गोलियां चलाएगी दोस्तों, कहा जाता है यहां पर 1500 भील मारे गए थे, कितने भील मारे गए दोस्तों 1500 भील मारे गए दोस्तों, कहां पर मारे गए सर, ये मानगढ़ पहाड़ी पर मारे गए, यानी कि सर क्या हो रहा है, ये हत्याकांड हो रहा है, और हत्याकांड दोस्तों कौन सा हो रहा है ध्यान रखिएगा, हत्याकांड जो हो रहा है दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर, मानगढ़ पहाड़ी पर। तो 17 नवंबर 1913 ईस्वी को दोस्तों मानगढ़ हत्याकांड, कौन सा दोस्तों, मानगढ़ हत्याकांड। तो मानगढ़ हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था बताइएगा सर, मानगढ़ हत्याकांड होता है सर 1913 के अंदर। तो 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड सर, जिसमें सर शांतिपूर्ण सभा पर एमबीसी द्वारा गोलियां चलाएगी, एमबीसी के उसके बारे में भी जानकारी दूंगा दोस्तों। मानगढ़ जो है ये हत्याकांड सर, इसे कहते हैं राजस्थान का प्रथम जलियांवाला, राजस्थान का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड, राजस्थान का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड कौन सा कहलाता है सर, ये मानगढ़ पहाड़ी वाला हत्याकांड कहलाता है। तो क्या ये बात समझ में आई, संप सभा के दो अधिवेशन, एक 1903 में, दूसरा 10 साल बाद 1913 में हो रहा है दोस्तों। 17 नवंबर 1913 की घटना भूकिया बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी पर दोस्तों चल रही भीलों की शांतिपूर्ण सभा पर एमबीसी द्वारा गोलियां चलाई जा रही है, और एमबीसी द्वारा गोलियां चलाने पर दोस्तों यहां पर लगभग 1500 भील मारे गए थे, जो कि राजस्थान का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड दोस्तों वैसे 13 अप्रैल 1919 को सर अमृतसर में हुआ था बैसाखी के दिन, लेकिन दोस्तों इसको इसके साथ कंपेयर किया गया है, इसीलिए सर इसको राजस्थान का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड बोला गया। अब देखिए नेक्स्ट इस पे बात आती है, मैं यहां पर आपको बता रहा था दोस्तों, क्या बता रहा था, एमबीसी के बारे में, सॉरी हाँ एमबीसी के बारे में बता रहा था, और एमबीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मेवाड़ भील कोर। तो मेवाड़ भील कोर जो है दोस्तों ये क्या हुआ था सर, ये एक अलग से एक टुकड़ी तैयार की गई है दोस्तों, किसके द्वारा, तो मेवाड़ भील कोर के बारे में पढ़ते हैं अपने। तो स्थापना जो होती है दोस्तों, इसके दो सन मिलते हैं अपने आपको, ठीक है ना, 1837 भी मिलता है और 1841 मिलता है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो 41 सही होगा ज्यादा सर, अगर एक है तो एक से आप निपटी लोगे, ठीक है ना। तो 37 और 41 में से अगर दोनों आते हैं तो सर ज्यादा सही कौन सा माना जाएगा, 41 माना जाएगा। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना सर कहां पर की जाती है, ये खेरवाड़ा में, खेरवाड़ा दोस्तों सैनिक छावनी है, आप सभी को पता है सर क्रांति के दौरान रही थी उदयपुर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दोस्तों खेरवाड़ा उदयपुर में 1837-41 के सर, यहां पर सर ये कहा है उदयपुर में दोस्तों स्थापना जो की जाती है, उस समय मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह थे, मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह थे, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है सर, मेवाड़ के महाराणा कौन थे सर, सरदार सिंह। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, तो मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह। तो ये जो है दोस्तों हत्याकांड और इससे संबंधित एमबीसी संबंधित मैंने बातें बता दी है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों गुरु गोविंदगिरी को इसके द्वारा सर मतलब बंदी बना लिया गया, इसके बाद में गुरु गोविंदगिरी को गिरी को बंदी बनाया और अहमदाबाद जेल में रखा था दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात जेल में रखा।
ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कौन सी जेल में रखा गया था गुरु गोविंद गिरी को? अहमदाबाद जेल में रखा गया था। दोके जो सर कहां पर आती है? गुजरात से संबंधित आती है, ठीक है ना सर। नेक्स्ट प्रश्न आएगा सर, इनको इनका रिहाई के पश्चात जो है छोड़ा जाता है, तो सर इनका अंतिम समय जो है किनका सर? गुरु गोविंद गिरी का। गुरु गोविंद गिरी का अंतिम समय जो है दोस्तों याद रखना वो कम्बोई में बीता था। कहां बीता सर? कम्बोई में। कम्बोई कहां आता है सर? कम्बोई आता है गुजरात में, पंचमहला गुजरात, पंचमहला गुजरात। तो कम्बोई गुजरात से संबंधित दोस्तों इनका क्या रहा था? अंतिम समय रहा था। तो दोस्तों ये वो जो है रहता है सर भगत भील किसान आंदोलन के बारे में। तो क्लियर हुआ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर प्रथम किस प्रथम जो अधिवेशन होता है वो 1903 में, सेकंड अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 में, मानगढ़ हत्याकांड। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इसके बाद में जो बात आती है दोस्तों उसके बारे में विचार करते हैं, और वो किसान आंदोलन जो भील किसान संबंधित है, जनजाति से संबंधित हुआ है सर, एक ही या भोमट भील किसान आंदोलन? भोमट भील किसान आंदोलन सर, एक ही या भोमट भील किसान आंदोलन की अगर चर्चा की जाती है, एक ही या भोमट भील किसान आंदोलन की अगर चर्चा की जाती है तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिएगा। हाँ जी, तो कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है। हाँ जी, तो एक ही या भूमट भील किसान आंदोलन से संबंधित बात की जाती है तो नाम आता है सर यहां पर मोती बाबा का। किसका नाम आता है सर? तो नेतृत्वकर्ता के रूप में सर यहां पर नाम आएगा नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अगर बात की जाती है मोतीलाल तेजावत की, तो इनका जो जन्म स्थल माना जाता है, इनका जन्म स्थल माना जाता है दोस्तों, जन्म जो स्थल है वो है कोलियारी गांव में। कौन से गांव में सर? कोलियारी गांव। कोलियारी गांव जो है वो दोस्तों कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। कोलियारी गांव उदयपुर से संबंधित याद कीजिए दोस्तों, महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात जो अपने घायल सैनिकों का इलाज किया था वो कौन से गांव में किया था? कोलियारी गांव में किया था। तो सर इनकी जो जाति रहती है वो जाति आती है सर ओसवाल। कौन सी जाति आती है सर? ओसवाल जाति आती है। कौन सी जाति आती है? ओसवाल जाति आती है, ध्यान रखिएगा। तो मोतीलाल तेजावत से संबंधित सर इनका जो उपनाम क्या क्या आता है देखिएगा, मोतीलाल तेजावत का जो उपनाम जो है वो क्या क्या लिया जाता है सर? इन्हें कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। क्या कहा जाता है सर इन्हें? आदिवासियों का, आदिवासियों का मसीहा। किन्हें कहा जाता है दोस्तों आदिवासियों का मसीहा? मोती बाबा को। दोस्तों भीलों का प्रथम उद्धारक किन्हें कहा जाता है? गुरु गोविंद गिरी को कहा जाता है। नेक्स्ट सर इन्हें कहा जाता है मोती बाबा। क्या कहा जाता है सर? मोती बाबा बोला जाता है सर, और इन्हें कहा जाता है बाप जी। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? बाप जी के नाम से जाना जाता है। तो आदिवासियों का मसीहा, मोती बाबा या बाप जी, किसे कहा जाता है सर? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत द्वारा दोस्तों वनवासी संघ की स्थापना की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए वनवासी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वनवासी संघ की स्थापना जो है मोती बाबा के द्वारा या मोतीलाल तेजावत के द्वारा की जाती है सर। अभी इन्होंने क्या किया, भीलों की मांग आती है दोस्तों। किसकी मांग आती है? भीलों की मांग। तो भीलों की 21 सूत्री मांगे, 21 सूत्री मांगे जो थी दोस्तों वो किसके पास भेजी सर? जिसे कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार दोस्तों, मेवाड़ की पुकार नाम से सर माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक भी आती है। किसकी पुस्तक आती है सर? माणिक्यलाल वर्मा की मेवाड़ की पुकार पुस्तक भी। और मेवाड़ की पुकार दोस्तों भीलों की 21 सूत्री मांगों को भी कहा जाता है, जो सर किसके पास पहुंचाई जाएगी? महाराणा फतेह सिंह के पास। महाराणा फतेह सिंह के पास भेजी, के पास भेजी। तो महाराणा फतेह सिंह के पास जो है वो इनकी 21 सूत्रे मांगी भेजी जाती है, लेकिन फतेह सिंह ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। और रिस्पॉन्स ना देने पे दोस्तों आंदोलन की क्या हो जाएगी? अब शुरुआत हो जाएगी। तो आंदोलन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आंदोलन जो शुरू हुआ, शुरुआत जो होती है दोस्तों वो 1931 में होती है, 1931 में होती है दोस्तों। और 1901 शुरुआत जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा 1921 ईस्वी में होती है। और 1921 ईस्वी के अंदर दोस्तों कहां से होती है ध्यान रखिएगा? 1921 ईस्वी में होती है दोस्तों, याद रखना, मातृकुंडिया, मातृकुंडिया रश्मि तहसील,
चित्तौड़ से। तो राशमी तहसील चित्तौड़ से सर क्या होती है, इनकी शुरुआत होती है आंदोलन की। तो आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा मातृकुंडिया नामक स्थान से हुई। अब दोस्तों मातृकुंडिया के बारे में जो एक्स्ट्रा प्रश्न है उनपे बात कर लेते हैं। तो मातृकुंडिया को कहा जाता है दोस्तों मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है परशुराम जी से संबंधित जो है इनका संबंध आता है। परशुराम जी ने सर अपनी माँ का जो है वध किया और उससे संबंधित पापों का पश्चाताप करने के लिए ब्रह्मा जी की क्या की, तपस्या की, और ब्रह्मा जी जो है वो प्रकट हुए। और दोस्तों यहाँ पर जो है एक कुंड बनाया था जिस कुंड में स्नान करके सर परशुराम जी ने अपने पाप धोए थे। और पाप कहाँ धोए जाते हैं दोस्तों, हरिद्वार में धोए जाते हैं सर, इसीलिए सर मेवाड़ का हरिद्वार बोला जाता है सर, किसको, मातृकुंडिया को। और मातृकुंडिया नामक स्थान पे दोस्तों याद रखिएगा माता कुंडलानी का मेला भरता है। किसका सर, माता कुंडलानी का, कुंडलानी का मेला। और माता कुंडलानी का मेला दोस्तों याद रखिएगा कहां पर भरता है सर, याद रखना ये मातृकुंडिया नामक स्थान पर बैसाख पूर्णिमा के दिन भरता है। कब भरता है सर ये, बैसाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। ये भी प्रश्न आपके लिए अच्छा रहेगा सर। एक हुआ था मातृकुंडिया किसान आंदोलन, मातृकुंडिया किसान आंदोलन जो है दोस्तों याद रखिएगा 22 जून 1880 को, 22 जून 1880 को दोस्तों याद रखना, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से संबंधित। तो याद रखना है नोट में भी सर, एक इसी नाम से किसान आंदोलन भी है दोस्तों, सेकंड नोट बता रहा हूं सर, मातृकुंडिया किसान आंदोलन, मातृकुंडिया किसान आंदोलन सर जाटों द्वारा चलाया गया सर ये किसान आंदोलन। कहां पर सर, मातृकुंडिया। इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, फतेह सिंह थे। और इसकी दिनांक याद रखना सीधी सीधी 22 जून 1880, ठीक है ना। तो 22 जून 1880 को दोस्तों याद रखना है ये मातृकुंडिया किसान आंदोलन। तो ये सारी बातें सर मातृकुंडिया स्थान से हुई है सर, यहां से सर ये आंदोलन शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर सर दो हत्याकांड पढ़ने हैं हमें सर। पहला हत्याकांड जो आता है सर, उस हत्याकांड का नाम है नीमड़ा। कौन सा हत्याकांड आता है सर, नीमड़ा हत्याकांड आता है। और नीमड़ा हत्याकांड जो है दोस्तों हुआ था विजयनगर अजमेर में। कहां पर हुआ था सर ये, विजयनगर अजमेर में हुआ था। और विजयनगर अजमेर में दोस्तों ये कब हुआ था, तो सर 7 मार्च, कब सर, 7 मार्च 1922 को हुआ था। तो 7 मार्च 1922 को सर कौन सा किसान आंदोलन पढ़ रहे, सॉरी कौन सा कांड पढ़ रहे हो सर, नीमड़ा हत्याकांड पढ़ रहे हो दोस्तों। अभी जो कल पढ़ा था आपने वो सर किस, कौन सा था, नींबू चना था, जो सर 14 मई 1925 को हुआ। ये 7 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड हो रहा है सर, कहां पर, विजयनगर अजमेर में, ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा था सर, वही बात, बिलों की शांतिपूर्ण सभा पर, सभा पर एमबीसी द्वारा गोलियां। अब यहां पर आपने सोचा होगा सर, एमबीसी ने ठेका ले रखा था, जहां बिल्कुल दोस्तों भीलों पर निगरानी करने के लिए तो एमबीसी बनाया गया था। तो एमबीसी द्वारा गोलियां चलाई जाएगी, और एमबीसी जब गोलियां चलाएगी तो दोस्तों यहां पर भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। कहा जाता है सर 1200 भील मारे गए थे। कितने भील मारे गए, 1200 भील मारे गए थे दोस्तों इस हत्याकांड में। और यह हत्याकांड किस नाम से जाना जाता है सर, नीमड़ा हत्याकांड। तो नीमड़ा हत्याकांड को दोस्तों क्या कहा जाता है, बोलो, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड किसे कहा जाता है सर, नीमड़ा को कहा जाता है। तो ये बात रही सर नीमड़ा हत्याकांड से, जो कि सर मोएकिया भूमट भील किसान आंदोलन से संबंधित आती है। दिनांक रट लेना दोस्तों, दिनांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीमड़ा हत्याकांड की, 7 मार्च 1922 को विजयनगर अजमेर में होता है। अब एक हत्याकांड और रहता है सर, जिसका संबंध ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना भी मोएकिया भूमट भील किसान आंदोलन से होता है, रोहिड़ा हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड दोस्तों, रोहिड़ा हत्याकांड। और रोहिड़ा हत्याकांड जो आता है वो कहां पर आता है सर, रोहिड़ा गांव पड़ता है सिरोही में। कहां पड़ता है दोस्तों, रोहिड़ा पड़ता है सिरोही में। तो रोहिड़ा हत्याकांड जो हुआ वो सिरोही में हुआ था दोस्तों, कहां हुआ था, सिरोही में सर। यहां पर कहा जाता है सर सिरोही में, ये जो है 1922 में ही हुआ था, ठीक है। इसका सन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऑथेंटिक नहीं है बिल्कुल भी। तो रोहिड़ा हत्याकांड सिरोही में हुआ, जिसमें सर 1800 भील मारे गए थे। कितने भील मारे गए, 1800 भील मारे गए। लेकिन दोस्तों इसका एक ही प्रश्न बनेगा, रोहिड़ा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है, एक ही या भूमट भील किसान आंदोलन से रहा है। अभी दोस्तों अगर बात रोहिड़ा की आई है, तो आपको सर एक क्वेश्चन और समेट देता हूं, नोट में याद रखिएगा सर, रोहिड़ा से संबंधित कौन आते हैं, G.H. ओझा आते हैं सर, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो सर इनकी जन्मस्थली कहां पर आती है सर, रोहिड़ा गांव। G.H. ओझा को दोस्तों याद रखिएगा, एक तो 1914 ईस्वी में राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की
उपाधि। दोस्तों राय बहादुर की उपाधि आप दो जगह पढ़ते हो। राय बहादुर की उपाधि सर एक तो हीराचंद ओझा को दी जाती है 1914 में, और 1914 में अंग्रेजों ने सर राय बहादुर की उपाधि किसको दी थी, जमनालाल बजाज को दी थी, जो जलियांवाला हत्याकांड के पश्चात उन्होंने वापस लौटा दी थी, ठीक है ना, अंग्रेजों को। तो 1914 ईस्वी में राय बहादुर की उपाधि जीएच ओझा को। और जीएच ओझा के लिए दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, सोना प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। और वो कौन सा आता है सर, भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ, भारतीय प्राचीन लिपि माला ग्रंथ। ये दोस्तों ग्रंथ जो है वो सर ये गोल्डन प्रश्न है सर किसका, जीएच ओझा के लिए। दोस्तों ये जो है ग्रंथ गिनीज बुक में है सर, कौन से बुक में है, गिनीज बुक में दर्ज है सर दोस्तों, याद रखिएगा। और ये ही जो है इसमें 46 लिपि लिखी हुई है, कितनी लिपि यानी कि सर कितने स्टाइल से लैंग्वेज लिखी हुई है, 46 लिपि का वर्णन जो है इन्होंने कर रखा है। लिपि के बारे में दोस्तों सबसे बड़ा ग्रंथ आता है सर किसका, जीएच ओझा का। और जीएच ओझा ने दोस्तों 46 लिपि का वर्णन इसमें किया है, इसीलिए चोजा को कहा जाता है सर। इसी आधार पर राजस्थान का गिरबन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजस्थान का गिरबन। तो दोस्तों भारतीय से संबंधित गिरबन, सॉरी गिरबन जो है वो दोस्तों ये क्या करता है, लिपि का उल्लेख करता है। और राजस्थान में लिपि का उल्लेख कौन कर रहा है, जीएच ओझा कर रहा है। तो इसीलिए सर राजस्थान का गिरबन कहा जाता है सर किसको, जीएच ओझा को कहा जाता है। तो मैंने इसके साथ आपको ये बात बता दी। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों आती है, बोलो 1929 में, 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी के समझाने पर, महात्मा गांधी के समझाने पर मोती बाबा ने सरेंडर कर दिया, यानी कि सर आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण किया। और दोस्तों आपको एक याद रखना है दोस्तों, नारा कौन सा आता है दोस्तों, आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो नारा दिया जाता है दोस्तों वो कौन सा नारा दिया जाता है, याद रखना, उस नारे को कहा जाता है सर हाकिम हुकुम नहीं चलेगा, हाकिम हुकुम नहीं चलेगा, हुकुम नहीं चलेगा। तो हाकिम हुकुम नहीं चलेगा दोस्तों महाराणा फतेह सिंह को बोला गया नारा दोस्तों, किस किसान आंदोलन के चलते सर, एक ही या भूमट भील किसान आंदोलन के चलते। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है भूमट शब्द क्या है, भूमट दोस्तों भीलों का निवास स्थल को बोलते हैं, भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है, भूमट कहलाता है। आपने जो शुरुआत में ये भूमट शब्द लिखा है ना, ये भूमट का मतलब क्या है सर, भीलों का निवास स्थल। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक शेयर बनता है ना, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर किया करो यार, है ना, और कमेंट करके बताया करो वीडियो देखने के बाद सर, वीडियो देखने के बाद मुंह पे हाथ फिराए और चल दिए, है ना, आपका कर्तव्य बनता है भी आपको वीडियो कैसा लगा, जो है जो भी आप फीडबैक देना चाहते हो वीडियो को कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जरूर दिया करो दोस्तों, ये बात जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है एक टीचर के लिए, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। तो यहाँ तक सर अपने पढ़ लिया कम्प्लीट सर, रोहिड़ा हत्याकांड, सॉरी नीमड़ा हत्याकांड, फिर रोहिड़ा हत्याकांड, लास्ट आया सर किसके कहने पर आत्मसमर्पण किया था, महात्मा गांधी, और नारा कौन सा दिया था सर, हाकिम हुकुम नहीं चलेगा। सर नोट में क्या आया सर, जीएच ओझा के बारे में मैंने आपको ये तीन चार प्रश्न जो है बता दिए। नेक्स्ट सर अपना जो किसान आंदोलन आता है वो आता है मीना किसान आंदोलन, कौन सा आता है सर, मीना किसान आंदोलन आता है। हाँ जी चलो बात करते हैं अपने मीना किसान आंदोलन से संबंधित। गुड, इसमें तीन चार ही प्रश्न बताऊंगा जो आपके पेपर में छप जाएंगे, किसान आंदोलन अगर यहां से प्रश्न देगा वो तो आपको इन्हीं प्रश्नों में से देगा दोस्तों। हमारा मेन मोटिव, अब कल जो क्लास थी उसमें बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आप जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हो, क्या बात हो गई सर, कोई नाराजगी है क्या, ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि मैं दोस्तों बातें करूंगा तो बातों में टाइम ज्यादा व्यर्थ होगा, मैं बातें नहीं करना चाहता, बातें अपने एग्जाम के बाद में एक दिन क्लास लेके वैसे ही कर लेंगे, पूरी की पूरी हताई करेंगे अपने, डोंट वरी, है ना। नेक्स्ट यहां पर मैं बात कर रहा हूं मीणा किसान आंदोलन से संबंधित। अब मीणाओं का क्या रहा था सर सीन, हाँ जी
अब मीणा जो थे ना, ये दो प्रकार के होते हैं सर। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के सर। एक होते हैं चौकीदार मीणा और एक होते हैं सर जमींदार मीणा। सर चौकीदार चौकीदारी करेंगे, जमींदार जमींदारा करेंगे। दोस्तों अब यहां पर देखिएगा, मीणाओं का जो सर किसान आंदोलन, सर ये नेतृत्व करने वाला जो बंदा आता है, नेतृत्व किया था ठक्कर बप्पा ने। किसने किया था सर? ठक्कर बप्पा द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? यहां पर नेतृत्व किया जाता है ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा क्या करेंगे सर? यहां पर नेतृत्व करेंगे। किसका नेतृत्व किया गया था सर? मीणा किसान आंदोलन का। अब देखना यहां पर सर, ठक्कर बप्पा के लिए भी एक प्रश्न आता है, और वो प्रश्न कैसा प्रश्न है सर, आपसे पूछा जा सकता है सर। इन्हें कहा जाता है पिछड़ी जाति का मसीहा, पिछड़ी जाति का मसीहा। इसे कहा जाता है सर पिछड़ी जाति का मसीहा, ठक्कर बप्पा को कहा जाता है। मीणा किसान आंदोलन से संबंधित नेतृत्व किया था ठक्कर बप्पा ने, और ठक्कर बप्पा को कहा जाता है सर पिछड़ी जाति का मसीहा कहा जाता है दोस्तों। अब इनके बारे में नेक्स्ट प्रश्न आता है सर। मीणा में दोस्तों याद रखिएगा, एक आता है सर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आता है, और एक आता है दोस्तों जरायम पेशा कानून। क्या आता है सर? जरायम पेशा कानून। तो जरायम पेशा कानून और सर दूसरा कौन सा है? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ठीक है ना। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की फुल फॉर्म सर आपराधिक पेशे अधिनियम दोस्तों, याद रखिएगा। सॉरी मैं लिख देता हूं यहां पर, आपराधिक जनजातीय अधिनियम, और दूसरा आता है दोस्तों जरायम पेशा कानून। अब सर दोनों में फर्क क्या है मैं बता देता हूं यहां पर। दोनों के दोनों दोस्तों ये किसके लिए लागू किए गए थे? ये चौकीदार मीणा के लिए लागू किए गए थे सर। यहां पर जो है ये 1924 का सन रहता है, और यहां पर जो ये रहता है 1930 का सन रहता है सर। सीधा सीधा याद रखिएगा, 1924 ईस्वी में सर CTA जारी किया गया, और सर जरायम पेशा कानून जो है वो सर 1930 में जारी किया गया था। 1945 में जाके हटता है ये, 45-46 में सर। अभी देखिएगा मैं यहां पे प्रश्न बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट सा है सर। ये जो जरायम पेशा कानून क्यों लगाया? चौकीदार मीणा मतलब सर चौकीदारी करते थे रात को, आज भी करते हैं, पहले भी किया करते थे। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, जिस क्षेत्र के अंदर अगर चोरी हो गई, चोरी होने के पश्चात अगर चोर पकड़ा गया तो ठीक है, वरना वो हरजाना उस चौकीदार मीणा को भरना पड़ेगा। अब भाई ये अगर पिछली गली में, इधर वाली गली में चोरी होगी तो ये काहे का जिम्मेदार है भाई, है ना। लेकिन दोस्तों यहां पर वो हरजाना किसको देना पड़ता था? चौकीदारों को। तो इस तरीके से चौकीदार क्या हो गए? परेशान हो गए, और चौकीदारों ने परेशान होकर ये आंदोलन उठा दिया सर। अब दोनों के चलते दोस्तों क्या किया गया, इन अधिनियम और इन कानून के चलते क्या किया गया, 12 से 25 वर्ष या 25 से अधिक। अब आप सोच रहे होंगे सर ये दो बातें क्यों आई? देखो क्वेश्चन में ये भी लैंग्वेज आ सकती है और ये भी लैंग्वेज आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे सर वर्ष वाले जो मीणा है, मीणाओं को, चौकीदार मीणाओं की बात हो रही है, मीणाओं को नजदीक पुलिस थाने में रोजाना हाजिरी देनी पड़ेगी। अब दोस्तों उनको जो है डेली जो है वहां पर जाना पड़ेगा और हाजिरी लगानी पड़ेगी। उनकी मर्जी है वो घंटा रखे, दो घंटा रखे। अब नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मीणा लोग जो है उनको इस कानून के तहत कहाँ जाना पड़ रहा है? नजदीकी पुलिस थाने में जाना पड़ रहा है। तो वो बेचारे कहां से सर इस आंदोलन में भाग लेंगे? इसीलिए दोस्तों अंग्रेजों की क्या थी, चालाकी थी। नेक्स्ट इसके पश्चात अपने बात करते हैं दोस्तों, एक मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ सर, 7 अप्रैल 1944 को किसका गठन होगा सर? मीणा सुधार कमेटी का। दोस्तों देखिएगा, 44 में मीणा सुधार कमेटी, लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए, एक मिनट के लिए, इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, मीणा क्षत्रिय महासभा, ये प्रश्न आ सकता है सीधा, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन जयपुर में हुआ। दोस्तों ये रियासत कौन सी चल रही है? यहां पर अगर आपको रियासत पूछी जाती है तो दोस्तों ये जयपुर रियासत है। कौन सी रियासत दोस्तों? जयपुर रियासत की बातें हो रही है सर। ये गठन जो हुआ सर 933, ये याद आया दोस्तों 44, तो सर 11 साल बाद में किसका गठन होगा? मीणा सुधार कमेटी का गठन होगा सर। किसका गठन होगा? मीणा सुधार कमेटी। अब मीणा सुधार कमेटी का गठन सर किस तरीके से होगा मैं बता रहा हूं। मीणा सुधार कमेटी का गठन होता है दोस्तों, नीम का थाना सीकर में एक वृहद अधिवेशन चल रहा होता है। वो कौन चल
कहलाता है वो देखिएगा। तो 7 अप्रैल 1944 को जैन मुनि मगन सागर, जिन्होंने मीणा पुराण लिखा है सर, जैन मुनि मगन सागर सर, जिन्होंने क्या लिखा सर, मीणा पुराण के रचयिता। 5200 गोत्री में विभाजन किया मीणाओं का इन्होंने, 24 प्रकार के भागों में बांटकर सर। तो मीणा पुराण किसने लिखा सर, ये इनके द्वारा लिखा गया। तो जैन मुनि मगन सागर ने दोस्तों याद रखना नीम का थाना सीकर से संबंधित दोस्तों एक क्या बुलाया, मीणाओं का वृहद अधिवेशन बुलाया। मीणाओं का वृहद अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे दोस्तों यहां से, देखिएगा। वृहद अधिवेशन बुलाया और इसी वृहद अधिवेशन के दौरान यहां पर सर एक बंदा अध्यक्षता करने के लिए आएगा, जिस बंदे का नाम है सर पंडित बंसीधर शर्मा। अध्यक्षता कौन करेगा, पंडित बंसीधर शर्मा। तो पंडित बंसीधर शर्मा जो है वो क्या करेगा सर, यहां पर अध्यक्षता करेगा, बंसीधर शर्मा की अध्यक्षता में सर मीणा सुधार कमेटी का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था, मीणा सुधार कमेटी का गठन। तो मीणा सुधार कमेटी का गठन जो होता है वो कब होता है, तो सन मांगा किसकी अध्यक्षता में होता है, किन्होंने सर मीणा वृहद अधिवेशन बुलाया था सर, ये सारी बातें कहां पर बुलाया था, ये सारी बातें आपको यहां पर करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? तो ये सब बातें दोस्तों किससे संबंधित रहती है दोस्तों, याद रखिएगा मीणा किसान आंदोलन से संबंधित रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं, यहां पर एक हत्याकांड पढ़ते हैं दोस्तों, जयसिंहपुरा हत्याकांड। अब जयसिंहपुरा हत्याकांड दोस्तों याद रखिएगा, जिसकी दिनांक आपसे पूछी जा सकती है डायरेक्टली भी, जयसिंहपुरा हत्याकांड संबंध किससे हो गया, मीणा किसान आंदोलन से सर। दिनांक पूछी जाएगी तो आएगा 21 जून 1934। तो 21 जून 1934 को क्या किया गया दोस्तों, जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक शासक है झुंझुनू से संबंधित जिसका नाम है सर ईश्वरी सिंह। क्या नाम है दोस्तों, ईश्वरी सिंह है। और वहां सर दोस्तों वो कहां का शासक था, ठाकुर था दोस्तों, ढूंढलोद ठिकाने का। किसका था दोस्तों, ढूंढलोद ठिकाने का ठाकुर था, जिसने क्या किया, ढूंढलोद ठिकाने का जो ठाकुर है, एक मिनट के लिए सुनिएगा गौर से, ठिकाने के ठाकुर ढूंढलो सीकर से संबंधित दोस्तों, सॉरी झुंझुनू से संबंधित ईश्वरी सिंह के भाई ने किसानों पर गोलियां चलाई। अब दोस्तों ये बात थोड़ी सी अलग सी रहती है, लेकिन दोस्तों ये संबंधित किससे है सर, ये मीणा किसान आंदोलन से संबंधित चर्चा करते हैं दोस्तों, जयसिंहपुरा हत्याकांड की। सिर्फ और सिर्फ इसमें सर ये नाम और ये दिनांक इंपोर्टेंट है और कुछ ही नहीं इंपोर्टेंट। तो 21 जून 1934 को याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात आता है दोस्तों सर, मीणा मुक्ति दिवस। दोस्तों मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। 28 अक्टूबर 1946 को क्या बनाया गया दोस्तों, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था मीणाओं ने जयपुर में। तो ये सीधा सीधा पूछा जाता है सर, मुक्ति दिवस के रूप में कौन सा दिन आता है, मुक्ति दिवस के रूप में दोस्तों आता है, जयपुर में मनाया गया दोस्तों ये मीणाओं के द्वारा, और ये मनाया गया दोस्तों कब, 28 अक्टूबर। सर ये मुक्ति दिवस 1946 को मनाया जा रहा है 28 अक्टूबर को, क्या इससे पहले भी कुछ काम हुआ था? हाँ बिल्कुल दोस्तों, याद रखिएगा मैं आपको बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट सी बात है दोस्तों। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जिसका गठन दोस्तों 1927 के अंदर होता है दोस्तों, बंबई में होता है। तो इसका सर छठवां अधिवेशन था दोस्तों सर। ये छठवां अधिवेशन कहां हुआ सर, बोलो, सालोटिया मैदान उदयपुर में। तो सालोटिया मैदान उदयपुर के अंदर दोस्तों क्या होता है सर, छठा अधिवेशन होता है। किसका, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का। यहां पर दोस्तों अध्यक्षता में नेहरू जी आते हैं। यहां पर सर अध्यक्ष कौन होते हैं, नेहरू जी होते हैं। अध्यक्ष जो है वो कौन होंगे सर, नेहरू जी होंगे। अब दोस्तों यहां पर जो है
जेबी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित जो है दोस्तों यहाँ पर याद रखना वो सर उद्घाटनकर्ता के रूप में पहुंचते हैं। लेकिन यहीं से मैं एक प्रश्न निकाल रहा हूँ मीणाओं के लिए, तो मीणाओं के लिए दोस्तों जो जरायम पेशा कानून लगाया गया था उसको हटाने की यहाँ पर मांग की जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा इस अधिवेशन के दौरान बच्चे सोच रहे होंगे सर ये अधिवेशन कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखना 2 दिन चला था, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक, ठीक है। तो ये अधिवेशन रहा था दोस्तों, इस अधिवेशन में के दौरान कौन कौन सर राजेंद्र प्रसाद और इसके साथ में लक्ष्मी नारायण पंडित के प्रयासों से क्या हुआ सर, जरायम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। और हटा देने पर दोस्तों अब जो है मीणाओं को सर नजदीकी पुलिस थाने में जाके डेली के डेली जो है वो उसके क्या नहीं देनी पड़ेगी सर, यहाँ पर हाजिरी नहीं देनी पड़ेगी। और दोस्तों इसी से संबंधित दोस्तों मुक्ति दिवस 1946 के अंदर 28 अक्टूबर को सर जयपुर के मीणाओं ने मनाया था दोस्तों। तो ये सब बातें रहती है दोस्तों मीणा किसान आंदोलन से संबंधित। आशा करता हूं दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जयसिंहपुरा हत्याकांड इंपोर्टेंट है सर, मीणा क्षेत्रीय महासभा इंपोर्टेंट है, मीणा सुधार कमेटी इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों सर आपराधिक और जरायम पेशा कानून जो है दोस्तों मैंने बताया ये इंपोर्टेंट है। ठक्कर बप्पा याद रखना जो नेतृत्व करते हैं सर, किसमें मीणाओं में सर रोहिड़ा हत्याकांड, निमड़ा हत्याकांड, एक किया भूमट विल किसान आंदोलन में नेतृत्व किसने किया, कहां से शुरुआत होती है मेवाड़ की पुकार जिसे 21 सूत्री मांगे थी, सारी बातें दोस्तों आपको एक बार के लिए अच्छे से मैंने रिपीट करवा दी है। तो ये थे दोस्तों जनजाति से संबंधित 3 किसान आंदोलन, एक जाति से संबंधित दोस्तों किसान आंदोलन था जो मैंने कल छोड़ा था वो मैं पढ़ा देता हूं, वो कौन सा था दोस्तों, मेव किसान आंदोलन। और मेव किसान आंदोलन की अगर बात की जाती है दोस्तों तो ये होता है सर अलवर भरतपुर के क्षेत्र में दोस्तों याद रखिएगा दो कैंडिडेट क्या करेंगे सर नेतृत्व करेंगे चौधरी यासीन खान और सर यहां पर आएगा मोहम्मद अली, ठीक है। ये दो कैंडिडेट सर यहां पर क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे किसानों का। क्यों हुआ सर ये आंदोलन, क्या जरूरत आन पड़ी थी सर इनको, तो मैंने कहा दोस्तों मेव जाति के किसान जो थे वो परेशान किससे थे, तो बोला ये सर जंगली सुअर खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। क्या पहुंचा रहे थे सर, नुकसान पहुंचा रहे थे। तो जंगली सुअर जो खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे दोस्तों उससे संबंधित बातें रहती है, किसमें सर, मेव किसान आंदोलन से संबंधित। और ये अपारे क्या हो जाते हैं सर, समाप्त हो जाते हैं यहाँ पर, कौन से, जनजाति किसान आंदोलन। क्लियर है क्या दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों अच्छे तरीके से सारे जो है किसान आंदोलन मैंने रिपीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट कुछ बच्चे कह रहे थे सर कल्चर की क्लास, हाँ बिल्कुल दोस्तों एग्जाम से पहले हिस्ट्री कल्चर जियोग्राफी से संबंधित जितने प्रश्न आपको मैं दे सकता हूं दूंगा, मैराथन क्लासेस भी आप जो है इंतजार करते रहिएगा सर, 9, 10 या 11 तारीख के करीब दोस्तों आपकी जो मैराथन दोनों लग जाएगी, जिसमें दोस्तों क्या होगा आपको एक बार के लिए संपूर्ण जो है क्वेश्चंस के माध्यम से क्या करवा दिया जाएगा, रिपीट करवा दिया जाएगा मैटर। क्लियर है क्या, तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक शेयर में किसी भी प्रकार की कंजूसी ना करना। और नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और एक नेक्स्ट प्रजामंडल टॉपिक है दोस्तों उस पर चर्चा करने वाले हैं, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जो कांस्टेबल के एग्जाम से प्रश्न पूछा जा सकता है, वो कौन सा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किस कौन यहाँ पर स्थापन करता था, अध्यक्ष वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन जो अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास।